हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है रौनक कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरा यूट्यूब चैनल रौनक क्रिएटन पे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है। मैं कभी ब्लॉग वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो। अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में होगा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, हम आज जाने वाले हैं हमारे गांव का एक फेमस जगह है जिसका नाम टिमना पहाड़ है। वो पहाड़ पूरा चट्टान से भरा हुआ है और वहाँ उसके ऊपर से ना इतना खतरनाक व्यू आता है ना कि मत पूछो यार। चलो चल के देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। एकदम गजब का व्यू आता है वहाँ से। तो चलिए, और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और उस तरफ से मेरा दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो सब लोग साथ में जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, तो वीडियो पे बने रहिए। हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बस स्टैंड पे, और मेरा दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो उनको वेट कर रहे हैं। ये आ गए तो अभी साथ में चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। दो होंडा साइन, SP होंडा साइन जी। एक्शन देख लो भाई स्कूल का। ओ भाई अभी स्कूल छुट्टी हुआ है, अभी 4:10 हो रहा है, तो चलो चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं हमारे गांव से, अभी ये रास्ते पर हैं, और ये रास्ता देखो गाइस कितना ही ख़राब है भाई। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा गाड़ी का पंक्चर ना हो जाए भाई, क्योंकि मेरा आगे का जो टायर है ना वो थोड़ा पुराना हो चुका है, तो थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी काम चालू है, ये 10 या 20 दिन से ये काम सब ख़त्म हो जाएगा जैसे लग रहा है ये रास्ता का। तो तब एकदम दबा के चलाएंगे गाड़ी, टेंशन मत लो। और इधर जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है ना, इधर से ही जाना पड़ेगा। तो चलो जैसे भी करके इधर से जाएंगे। देख लो गाइस, यहाँ पर काम चालू है, यहाँ पे वही मेटलिंग हो रहा है जैसा लग रहा है। इसके ऊपर पीचू डलेगा, उसके बाद रोड तैयार हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, लेकिन रोड तो चलेगा यार, कोई बात नहीं। गाड़ी का जो वाइजर है ना वो थोड़ा ढीला हो गया है गाइस, तो वही आवाज़ आ रहा है। ये वाइज़र को जितनी बार भी ठीक किया ना गाइस, ये हफ्ता हफ्ते या 2 हफ्ते पे फिर से ख़राब हो जाता है, फिर से ढीला हो जाता है, इसको बार बार टाइट कराना पड़ता है। अभी हम पहुंच चुके हैं पामरा के बस स्टैंड पे, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है टिमना पहाड़, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होगा। और इस यहाँ ये पामरा से आगे एक गांव पड़ता है, उसका नाम है एकमा। तो एकमा से वही 1 किलोमीटर कितना होगा टिमना पहाड़। तो चलो गाइस चलते हैं, और यहाँ पर मेरा दोस्त लोग फुल एंजॉय पे आ रहे हैं गाइस, तो चलो चलते हैं। सो गाइस देख लो, हम अभी पहुंच गए हैं एकमा, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है टिमना पहाड़। यहाँ से और 1 किलोमीटर कितना होगा, यहाँ से वो पहाड़ दिखता है, रुको हम दिखाएंगे अभी ये टर्निंग के बाद। चाचा जी कहाँ जा रहे हो? चाचा जी थोड़ा साइड दे दो। तो चलो गाइस वहाँ से देख लो गाइस, वो है टिमना पहाड़ साइड में जो दिख रहा है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो।
गाइस देख लो यहाँ, इधर से इस साइड से कैसा व्यूज़ है तिमना पहाड़ का। और आगे की तरफ चलते हैं, सामने की तरफ से दिखाते हैं कि तिमना पहाड़ कैसा दिखता है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं तिमना पहाड़, और देख लो गाइस यहां का व्यूज़ कैसा है, एकदम गजब का व्यूज़ बना है भाई। ये 5 बजे का व्यूज़ है भाई। और ये गाड़ी का नाम क्या है ज़रूर कमेंट में बताना भाई। और देख लो गाइस कैसा दिख रहा है यहां से तिमना पहाड़। तो चलो चलते हैं, और दोस्त लोग भी हैं साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो ऊपर से व्यूज देखो भाई कैसा है। आगे सूरज अस्त हो रहा है। ओ भाई क्या नजारा है भाई, मजा ही आ गया भाई। और आगे उधर भी बहुत कुछ है, चलो दिखाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर पूजा वूजा होता है। पत्थर से नंदी जी का फोटो है, मूर्ति है, और त्रिशूल वगैरह है। यहाँ पर भी पूजा किया जाता है। और आगे भी मंदिर है, तो चलो देखते हैं। और यहाँ से नज़ारा देखो गाइस कैसा है। ओह भाई मोबाइल में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मंदिर के अंदर क्या है, भोलेनाथ का मूर्ति है, और बजरंग वाली का फोटो है। और यहाँ से नज़ारा देखो गाइस, मतलब कि मत पूछो यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से नज़ारा, एकदम पूरा झक्कास गजब का व्यू आ रहा है यहाँ पर, मूड फ्रेश हो जाएगा। सूरज को देखो यार कैसा दिख रहा है, यहाँ पर फोटो वगैरह खींच रहे हैं दोस्त लोग। तो पाद का चिन्ह है, बजरंग बली को पाद बोलते हैं।
ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो को, और प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।